वैसे दोस्तों 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का देहांत गौड़ में हो गया था। इसके डेथ का कारण गक्कर या खोखर नामक कबीलों के हमले की वजह से बुरी तरह से घायल होने के कारण हुआ था। मोहम्मद गोरी भारत से लौटते वक्त दिल्ली पर अपने सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। इसके अलावा इसके दो और गुलाम थे, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं ताजुद्दीन एलदौज। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दोनों गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर दिल्ली पर हमला कर दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी किया। याद रखें, नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दिया और ताजुद्दीन एलदौज की पुत्री से स्वयं शादी कर लिया। दोस्तों एक और बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री से कर दिया। तो बहरहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस वैवाहिक संबंध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एलदौज को अपने अपने स्थानों पर लौट जाने के लिए बाध्य किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में, जैसा हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक का है और दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज यानी दरबारी भाषा टर्किश यानी तुर्की थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने शासन किया है, जिसमें पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, इलवारी डायनेस्टी भी कहा जाता है, यह इसको मामलूक डायनेस्टी भी कहा गया है। याद रखें गुलाम वंश को इलवारी वंश भी कहते हैं अथवा इसको मामलूक वंश भी कहा गया है। यह डायनेस्टी 1206 से 1290 तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी है। यह डायनेस्टी 1290 से 1320 तक थी। खिलजी टर्क्स आए थे अफगानिस्तान के हेलमुंद से। पहले इन्होंने घोड़े का व्यापार किया इंडिया में, बाद में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपनी डायनेस्टी खिलजी या खिलजी वंश की स्थापना किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में तीसरी डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश, 1320 से यानी 1320 से 1414 तक शासन किया था। चौथी डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी यानी सैयद वंश, 1414 से 1451 तक शासन किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पांचवी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी है यानी लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। तो इस तरह ये 5 डायनेस्टी आई। वैसे इनकी याद करने का फार्मूला भी है, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सूंघ यानी सैयद वंश, लो यानी लोधी वंश। दोस्तों महक में मुगल वंश आएगा जो कि हम बाद में आपको चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत किन 5 डायनेस्टीज में से, पहली 4 डायनेस्टी यानी फर्स्ट 4 डायनेस्टी के सभी शासक तुर्क थे यानी टर्क रूलर्स, अंतिम डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी आई, लोधी वंश में सभी शासक अफगान्स थे, ये पठान भी कहलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 डायनेस्टी हैं। इन 5 डायनेस्टीज में से हम सबसे पहले आपको स्लेव डायनेस्टी या इलवारी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखें तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, इसे इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं या इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल तीन शासक हैं जो गुलाम थे, बाकी सभी फ्री थे। इसलिए स्लेव डायनेस्टी के अलावा इसको दो नाम और दिया गया है, इलबारी डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक है। वैसे इस डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका बेटा आराम शाह, ये दो शासक आए हैं इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और वैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, यानी ये छह शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी हैं ये। दोस्तों ध्यान रखें, ऐबक उसका बेटा, इसको आप कुतुबी डायनेस्टी भी कह सकते हैं। कुतुबी डायनेस्टी यानी कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका बेटा आराम शाह शासन किए। इसे आप शमसी डायनेस्टी भी कह सकते हैं। यानी शमसी वंश जिसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी हैं, तो शमसी डायनेस्टी कहलाती है। और तीसरी डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी में बलवनी डायनेस्टी कह सकते हैं। बलवनी डायनेस्टी यानी जिसमें बलबन उसके उत्तराधिकारी कैकुबाद, कैखुसरो, कैयुमर्स ने शासन किया है। तो इस तरह दोस्तों स्लेव डायनेस्टी में तीन डायनेस्टी आई, कुतुबी डायनेस्टी, शमसी डायनेस्टी, बलवनी डायनेस्टी। जैसा कि हमने आपको बताया, गुलाम वंश में केवल तीन ही गुलाम थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम गियासुद्दीन बलबन था। बाकी जितने भी सुल्तान इसमें आए सब फ्री थे, कोई किसी का गुलाम नहीं था। इनको याद करने का एक फार्मूला भी है, कायर स्क्वायर बैंक क्यूब। कायर स्क्वायर बैंक क्यूब। अब आप देखें इसमें क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ए से आराम शाह, आई से इल्तुतमिश, शमसुद्दीन हटा दे इल्तुतमिश, आर से रुकनुद्दीन, रजिया सुल्ताना, दोस्तों बी से बहराम शाह, ए से अलाउद्दीन मसूद शाह, एन से नसीरुद्दीन महमूद शाह, बी से बलवन, गियासुद्दीन हटा दे बलवन हो जाएगा, के क्यूब से कैकुबाद, कैखुसरो, कयूमर्स, क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक, ए से आराम शाह, आई से इल्तुतमिश, आर स्क्वायर से रुकनुद्दीन, रजिया सुल्ताना, बी से बहराम शाह, ए से अलाउद्दीन मसूद शाह, एन से नसीरुद्दीन मसूद शाह, बी से बलबन हो जाएगा और के क्यूब से कैकुबाद, कैखुसरो, कैयुमर्स। दोस्तों इस तरह ये 12 रूलर हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखें केवल चार रूलर का इंपॉर्टेंस है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, वैसे इसको पहला सुल्तान नहीं माना जाता है,
कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि इलवारी टर्क्स था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, यानी स्लेव्स स्लेव। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना दामाद भी बना लिया था, गुलाम के अलावा इसको अपना दामाद बना लिया, यानी इल्तुतमिश ऑटोमेटिक फ्री हो गया और इस वजह से इसको गुलाम का गुलाम कहते हैं, यानी स्लेव्स स्लेव। जबकि इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था, बलबन को गुलाम का गुलाम नहीं कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये 12 सुल्तान हैं, 12 रूलर हैं, इनमें से हम चार के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। मेन तो चार ही हैं, बाकी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंस हैं। अब हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताते हैं। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और आसपास एरियाज पर कब्जा कर लिया था। इसने बरन वाला एरिया जीता, मेरठ में हुए विद्रोह को दबाया, मेरठ वाला एरिया भी जीता, कोयल वर्तमान में अलीगढ़ वाला एरिया भी इसने जीता, जहां पर कुछ भट्टी कबीले राजपूत थे, इनके विद्रोह को इसने दबाया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड वाला एरिया जीता था, जिसमें परमर्दी देव का हमने जिक्र किया था, चंडेल वंश के शासक को हराया, महोबा वाला एरिया कब्जा किया जो कि चंदेलों की राजधानी थी, इसके अलावा त्रिपुरी वाले एरिया से कलचुरी को हराया, मालवा वाले क्षेत्र पर भी कब्जा किया इसने, और इधर दिल्ली के अलावा अजमेर को भी इसने जीता, और अजमेर के अलावा भटिंडा, लाहौर, उच्च वाला एरिया, इन सब को जीतने के अलावा इसने बिहार और बंगाल के काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में 4 साल तक शासन किया है, लेकिन यह गुलाम का गुलाम ही रह गया। कहा जाता है कि इसके मालिक ने इसको फ्री नहीं किया, इसलिए बगदाद के खलीफा ने इसको मान्यता नहीं दिया, और जब तक बगदाद के खलीफा मान्यता ना दें, तब तक कोई गुलाम सुल्तान का पोस्ट नहीं ले सकता था। इसके मालिक ने इसे सिपह सलार, याद रखें सिपह सलार माने सेनापति, यानी कमांडर इन चीफ, और मलिक जैसे टाइटल दिया था, मलिक। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल दिल्ली सल्तनत में शासन किया है, सिपह सलार तथा मलिक के पोस्ट पर शासन किया है, सुल्तान की पदवी नहीं धारण किया है, इसके नाम का कोई सिक्का भी नहीं चला है। जो सिक्का इसके मालिक मोहम्मद गोरी के नाम से चल रहा था, उसी सिक्कों को इसने चलने दिया, इन सिक्कों पर इसका नाम भी नहीं आया, इसके मालिक मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का ही नाम था। और दोस्तों मस्जिदों में ऐबक के नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा गया। ध्यान रखें, अगर कोई सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन करता या कोई सुल्तान खलीफा से मान्यता लेता, उसके नाम का खुतबा मस्जिदों में पढ़ा जाता था, यह अनिवार्य था। तो ना तो इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, ना ही इसने सुल्तान की पदवी लिया, ना ही इसको बगदाद के खलीफा ने मान्यता दिया। इसलिए कानूनी तौर से अगर आप देखें तो यह है सुल्तान नहीं था, गुलाम का गुलाम ही था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मालिक द्वारा विजित प्रदेशों को मेंटेन करके रखा और अपने आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए दिल्ली सल्तनत को सेव करके रखा। वैसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही वजीर पद आया है, वजीर माने प्राइम मिनिस्टर, विजारत यह एक विभाग होता था, दीवाने विजारत भी कहा गया है, जिसमें वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर एक प्रमुख पोस्ट होता था। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया,
वैसे तो इसकी राजधानी लाहौर को भी माना गया है। प्रारंभ में लाहौर को राजधानी बनाया था, बाद में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया, और इसने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ शहर और राय पिथौरागढ़ किले को नष्ट करके मेहरौली शहर बसाया था। याद रखें, मेहरौली शहर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बसाया। इससे पहले यहां पर राय पिथौरागढ़ किला, राय पिथौरागढ़ शहर, इसे पृथ्वीराज चौहान ने बसाया और बनवाया था। उस शहर और किले को नष्ट करके इसने मेहरौली शहर बसाया, और यहीं पर यानी मेहरौली में 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया है। दोस्तों याद रखें, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया था। अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया था। वैसे कुतुब मीनार का ग्राउंड फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर यानी चार मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया। इसके ऊपर दो मंजिला और थे जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, लेकिन यह कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में टॉप फ्लोर से हेलीकॉप्टर टकराया अथवा बिजली गिरने से टॉप फ्लोर नष्ट हो गया। वर्तमान में ग्राउंड फ्लोर प्लस पांच मंजिला ऊपर और पड़े हैं। तो याद रखें, ग्राउंड फ्लोर ऐबक ने बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इल्तुतमिश ने बनवाया, वर्तमान का जो टॉप फ्लोर है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। यह भी कहा जाता है कि सिकंदर लोदी लोदी वंश का इसने इसकी रिपेयर करवाई थी। वर्तमान में कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, और यह ईंट की बनी दुनिया में सबसे हाईएस्ट मीनार है। याद रखें, ईंट से बनी हुई ब्रिक्स की सबसे हाईएस्ट मीनार है ये। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आसपास के 27 मंदिरों को तुड़वा करके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। आसपास के 27 मंदिर तुड़वाए। मेन मंदिर शिव की मंदिर थी। कहा जाता है कि मस्जिद की जो ईंट है इस समय उसमें शिव शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखें, मेन मंदिर यहां पर कुव्वतुल इस्लाम की जगह पर शिव मंदिर था, जिसे नष्ट करके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। और वैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में मुस्लिम्स की पहली मस्जिद है। वैसे तो हमने आपको बताया था, इस्लाम धर्म इंडिया में सबसे पहले 629 AD में केरल में आया था, लेकिन दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। यहां पर पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसको विग्रह राज ने बनवाया था। इस संस्कृत विद्यालय को नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहा ऐसा जाता है कि यह 2.5 दिन में बना था। कुछ जगह ऐसा कहा गया कि यह मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर जा रहा था और वहां 2.5 दिन तक रुका था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। जो भी है, यह मस्जिद है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अजोधन में आके बस गए थे। वैसे तो आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, ईरान के थे, यहीं आके बस गए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इनका देहांत हो गया था। यहीं पर इनका मकबरा, इनकी इनके मकबरे को बनवाया गया है, जो आज होली प्लेस है। सूफी सेंट, दोस्तों याद रखें, सूफी सेंट, सूफी संत, ये हर धर्म में प्रेम और मित्रता की भावना, इन्हीं सभी धर्म में समन्वय की भावना, सब धर्म के लोगों में प्रेम इत्यादि विकसित करना चाहते थे। इसलिए सूफी संत सब धर्म के लोगों के लिए पवित्र और अच्छे माने जाते थे। इसलिए वर्तमान में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के हर धर्म के लोग यहां पर आते हैं और इनका दर्शन करते हैं। सब धर्मों के लिए इन्होंने काम किया था।
इन्होंने सद्भावना प्रेम इत्यादि डेवलप किया था। तो इस तरह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में काफी कार्य किए थे, लेकिन 1210 ईस्वी में 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत लाहौर में चौगान खेलते हुए या पोलो, चौगान को पोलो भी कहते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े के पीठ से गिरा और यहीं मर गया था। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया। दोस्तों 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद कहा जाता है कि उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर आया। उसने 8 महीने तक शासन किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं दोस्तों यूपी में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारियों ने इल्तुतमिश को लाहौर इनवाइट किया। इल्तुतमिश लाहौर आया और उसने लाहौर तथा दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सुल्तान की पदवी धारण किया। 1211 में 1211 में इसने आराम शाह को हराया और आराम शाह की हत्या कर दिया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सत्ता में आया। तो दोस्तों इस तरह यह वीडियो क्लिप आपको पसंद आई होगी और हम अगली वीडियो क्लिप में आपको इल्तुतमिश तथा उसके बाद के सुल्तानों के बारे में जिक्र करेंगे। तो इस तरह दोस्तों अगर यह वीडियो क्लिप पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।